तो आज की प्राइजिंग कैसे मिलने वाली है? एकदम ऐसी मिलने वाली है किसी ने सोची ना होगी। सोची ना होगी भाई, ठीक है। हमारी जो सर्विस रहती है वो ऑल ओवर इंडिया, तो सीओडी पे अगर चाहिए आपको तो मटेरियल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और अभी मैं हूँ लेमिंगटन रोड पे। ओ भाई लेमिंगटन रोड पे अभी मतलब आधे से ज्यादा स्टोर बंद हो चुके हैं और हमारा वीडियो शूट भाई अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले ग्राफिक कार्ड की प्राइजिंग को कवर, ठीक है ना। वो जिस स्टोर पे मैं आज आया हूँ उसका नाम है इन्फिनिटी गैजेट्स। इधर आप पूरा स्टोर देख, तो ठीक है गाइस, जब हम स्टोर के अंदर चलते हैं सभी ग्राफिक कार्ड की प्राइजिंग को देखते हैं कि हमें किस तरीके की मिलने वाली है। ऑब्वियसली भाई ग्राफिक कार्ड की प्राइजिंग आज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिलने वाली है आपको, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ और देखते हैं, चलो अभी अंदर ही चलते हैं वरना कोई उड़ा दे पीछे से क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है उधर। तो ठीक है गाइस, अभी आगे हम स्टोर के अंदर, हमने यहाँ पे सभी ग्राफिक कार्ड लगा लिए, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड। और मेरे साथ में हेलो भाई, हेलो भाई, कैसे हो आप? दीपक भाई एकदम मस्त है, आप कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सर, बाकी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वैसा मैं ट्रेन को धक्का लगा के नहीं आया, एकदम अच्छे से आया हूँ। तो आज की प्राइसिंग कैसे मिलने वाली है? एकदम ऐसी मिलने वाली है किसी ने सोची ना होगी। सोची ना होगी भाई, ठीक है। तो नहीं थारा भाई लो, ठीक है भाई, अभी हम प्राइसिंग को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मेरे को आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी सीओडी वगैरह या कुछ ऑल ओवर इंडिया कुछ मतलब जो आपकी सर्विस है या उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी जो सर्विस रहती है वो ऑल ओवर इंडिया, तो सीओडी पे अगर चाहिए आपको तो मटेरियल मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट उसमें कुछ ऐसा रहता है कि 50% आपको एडवांस करना पड़ता है, 50% आफ्टर डिस्पैच मटेरियल, और बाकी अगर वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स कंपनी वारंटी रहती है। जैसे कि अभी जोटेक के कार्ड से तो उसे 2 ईयर्स और एक्स्ट्रा मिल जाती है रजिस्ट्रेशन करने पे, बाकी तो आपको पता ही है इन्फिनिटी गैजेट्स का, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम प्राइस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री लेवल से स्टार्ट करते हैं, 1050 Ti, और भी मतलब कार्ड आते हैं 710, 730, वो भी कार्ड मतलब है, सब अवेलेबल है, सब आप कॉल करके बता देना, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब वो प्राइसिंग आपको अच्छे ही मिलेंगे, ऑब्वियसली जो पहले यार मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस ही हो, वो मतलब नॉर्मल बेसिक कार्ड है। तो अभी 1050 Ti से स्टार्ट करते हैं। तो 1050 Ti में जो मेरे पास अभी रेडी स्टॉक है वो असूस में है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूं मैं तो 11,000 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रहेगी, और बाकी जितने भी कार्ड की प्राइसिंग मैं देने वाला हूँ सब विद जीएसटी रहेगी, विद जीएसटी सभी प्राइसिंग रहेगी, क्योंकि होता है ना कुछ वीडियो में हो जाता है कि बताने के बाद में है तो सब पहले से ही मैं क्लियर, सब क्लियर रहना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है GTX 1630, ये भी असूस में मेरे पास रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। इसकी प्राइसिंग आपको आ जाएगी 13,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं 1650 के बारे में, जो कि अभी बहुत मतलब बेसिक, अगर एक पीसी बिल्ड करा रहे हो आप बजट के अंदर तो इस कार्ड को बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं। ऐसा है ना कि 1650 और 1630 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 1650 भी आप अगर लेने जाओ तो 12,500 में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी जगह इस पे भी जाओगे तो ये भी बेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम 1660 Ti के बारे में बात करते हैं। 1660 Ti मेरे पास जोटेक में अवेलेबल है, इसकी प्राइसिंग है 20,500 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। 1660 Super गीगाबाइट में अवेलेबल है मेरे पास, और भी 2-3 ब्रांड्स है उसमें भी अवेल हो जाएगा, इसकी प्राइसिंग आपको आ जाएगी 20,500 rupees। तो अभी यहाँ पे लोग भाई बात करें मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, बहुत सारी ब्रांड है, तो अभी तो हम एक स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, तो मतलब प्राइसिंग थोड़ी बहुत क्या मतलब कितना डिफरेंस आएगा ना, अगर आप ब्रांड पे देखने जाओ तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, 200, 300 या 500 ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं रहता है। हाँ, फिर अगर आप कोई एडिशन की बात करो, जैसे कि अभी जोटेक में एम्प एडिशन आ गया, एम्प पोलो आ गया, ओसी एडिशन, ट्विनेज ओसी, ये सब अलग अलग, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और फैन के ऊपर डिपेंड करता है, 1 फैन 2 फैन 3 फैन, यस बराबर। तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट जो कार्ड है अपना 2060 है, जो की गीगाबाइट का, इसकी प्राइसिंग आपको आ जाएगी 22,000 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अभी 3000 सीरीज पे आते हैं यार, मतलब 2060 सुपर भी मिल जाएगा, 2060 सुपर भी मिल जाएगा, उसकी प्राइसिंग है 23,500, ठीक है यार। मतलब यार ऑब्वियसली काफी सही प्राइस हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब 23 में आपको 2060 सुपर मिल रहा है, ठीक है ना। अब से मतलब 6-7 महीने पहले ये देखने के लिए भी नहीं मिल रहा था। 3050 आपको सर गैलेक्स में भी मिल जाएगा, और भी कोई ब्रांड है उसकी भी आप कॉल पे इंक्वायरी ले लेना हम लोग, इसकी प्राइसिंग आपको आ जाएगी 24,000, ठीक है। मतलब लव भाई जो आप प्राइस बता रहे हो वो मतलब मिलेगा ना? मिलेगा भाई, सब रेडी।
एडी स्टॉक, अगर नहीं मिले तो आप बता सकते हो भाई, कमेंट में बता देना ठीक है। और आप मतलब यार ठीक है यार, जो भी आपके कोटेशन है एक बार आप व्हाट्सअप कर देना ठीक है ना। तो भाई पीसी रहेगा तो और भी अच्छे प्राइस हो जाएंगे, हो जाएंगे ठीक है। और भाई आप आओ यार, मैं भी आपको इधर ही मिलने वाला हूँ ठीक है ना, ऑब्वियसली मैं आपको इधर ही मिलने वाला हूँ, आपको डिस्काउंट लगवा के मैं दूंगा ठीक है भाई। आप ग्राफिक कार्ड या बिल्ड कराने आ रहे हो ठीक है, वो तो बात सही है, पर वैसे भी अगर आ सकते हो तो भाई मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो भाई ठीक है यार। तो अभी नेक्स्ट बारे में बात करने वाले 3060 के बारे में। 3060 मेरे पास ZOTEC में भी और भी दो तीन ब्रांड्स है, जैसे गैलेक्स हुआ, ASUS हुआ, गीगाबाइट, ये सब में भी मिल जाएगा। बाकी इसकी मैं बात करूं तो इसकी प्राइसिंग है 26500 भाई। 3060 26500 नहीं मिलेगा भाई, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा ठीक है। अभी बात करते हैं TI वेरिएंट के बारे में। 3060 TI की अगर मैं बात करूं, 3060 TI आपको आ जाएगा 34000 पक्का ना एकदम पक्का ठीक है भाई, मैं दिला दूंगा, दिक्कत मत लो। अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो है 3070 है, MSI का वेंटेज सीरीज है, इसकी प्राइसिंग अगर मैं दूं तो आपको आ जाएगा 45000 बात करते हैं यहाँ पे TI के बारे में। 3070 TI आपको आ जाएगा 47000 रुपीस में, जो कि ZOTEC का है, 3Fans के साथ है, और भी दूसरे भी मेंस ब्रांड्स में आपको अवेल हो जाएगा। वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है और उसके मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत प्राइस अप डाउन हो सकता है ठीक है। अभी बात करते हैं हम यहाँ पे 3080 के बारे में। 3080 में मेरे पास गैलेक्स भी है और भी मेंस, जैसे बता रहा हूँ सब में ही मेरे पास अलग अलग ब्रांड पड़ी है, इसकी प्राइसिंग आपको आ जाएगी 68500। अभी मेरे को आप ये बताओ लो भाई, अगर कोई पीसी बिल्ड कराता है तो तब थोड़ा बहुत जितना हमसे होगा उतना कर सकते हैं। आप सोचोगे कि नहीं भाई 5-7 हजार का गैप मिलेगा, उतना नहीं होगा, जो भी है 2000-3000 जितना हमसे हो सकेगा करवा के। तो अभी बात करते हैं हम यहाँ पे 3080 TI के बारे में। 3080 TI में मेरे पास गैलेक्स, इनो 3D सब में मिल जाएगा आपको, उसकी प्राइसिंग आ जाएगी आपको 76000। तो अभी 3090 के बारे में बात करते हैं भाई ठीक है। 3090 में ASUS ROG भी है और भी मीन्स मेरे पास गैलेक्स में है, SG एडिशन पड़ी है, NVIDIA फाउंडर्स एडिशन भी पड़ी है, अगर इसकी प्राइसिंग दो तो मैं इसकी प्राइसिंग आ जाएगी 90000। इसमें एक TI वेरिएंट भी आता है। 3090 TI आपको आ जाएगा 1,02,000 रुपए। 1,02,000 भाई 3090 अगर TI कोई ले रहा है तो उसको बोलेगा कि भाई ये ले लो भाई, अभी 4000 सीरीज में आ गया, वैसे भारी है भाई बहुत, ये तो 4070 TI आपको मैं करवा दूंगा 79000। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे 4080 आपको आ जाएगा 1,10,000 रुपए। इसमें ब्रांड कौन कौन सी मिल जाएगी वैसे? मेरे पास गैलेक्स मिल जाएगी, MSI गेमिंग, एक्सट्रायो, ASUS ROG स्ट्रेक्स, गैलेक्स एडी एडिशन, ST एडिशन, कलरफुल में मिल जाएगी, इनो 3D, iChill सब मिल जाएगी ठीक है। अभी बात करते हैं भाई सबसे पावरफुल कार्ड के बारे में, मतलब ये इससे ऊपर नहीं है भाई कार्ड कोई सा भी अभी फिलहाल के टाइम में ठीक है। 4090 के बारे में। 4090 में मेरे पास मिल जाएगा 1,56,500। ब्रांड कौन से रहेगा? मैं अभी तो गैलेक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी आप कौन सी लेते हो उस पर डिपेंड करता है ठीक है। मिल सब जाएगी, सब ब्रांड मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, मतलब ये थी हमारी सभी ग्राफिक कार्ड ठीक है। हमने यहाँ पे सभी ग्राफिक कार्ड के प्राइस को कवर किया भाई, ऑब्वियसली यार प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिले आपको भी पता है ठीक है। आपको जो भी ग्राफिक कार्ड चाहिए या अगर आपकी कोई भी पीसी बिल्डिंग कोटेशन है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, आपसे वहां से आपको एकदम बेस्ट प्राइस मिल जाएगी ठीक है। आप बिल्ड करा रहे हो यार बहुत अच्छी बात है, पर अभी मैं इधर ही हूँ ठीक है, इधर ही रहने वाला हूँ, इन्फिनिटी गैजेट में आपको मिलूंगा अभी, तो यार कम से कम मिलने आओगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना, जो भी शो का एड्रेस है नंबर है मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।